वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल में राठौर का ब्लॉग। सो गाइस फिर से आ गए मैं अपने नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस कल है हेलोवीन, सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक क्रिएटिव वीडियो बनाई जाए। सो आज की वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं हेलोवीन से रिलेटेड मेकअप करूँ। सो मैंने दो पिक्चर सेलेक्ट करी हैं, तो मैं टू टाइप्स का मेकअप करूँगी हेलोवीन का। सो लेट्स सी रिजल्ट कैसा रहता है। लेट्स ट्राई हेलोवीन का मेकअप। एंड गाइज मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है हेलोवीन का मेकअप। तो लेट्स सी रिजल्ट कैसा रहता है। आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस टू। एंड गाइज प्लीज़ जो मैं मेकअप करने वाली हूँ उसको लेके आप प्लीज़ जजमेंटल मत होना। इट्स जस्ट अ फन वीडियो फॉर द एंटरटेनमेंट। मेरा बहुत मन कर रहा था कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं इस पर। सो आई होप आप इस वीडियो को बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड जो मैं मेकअप करने वाली हूँ हेलोवीन का, लेट्स सी कैसा उसका रिजल्ट रहता है। मेरे को भी नहीं पता है, आई एम ऑल्सो सो मच क्यूरियस एंड एक्साइटेड। कहीं पर रेडियो के अगर जाना हो तो नॉर्मल सा मेकअप मुझे करना आता है, वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन हेलोवीन का मेकअप कैसे निकल के आता है, सो लेट्स सी। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो, आई मीन मेकअप। गाइस तो मैंने ऑनलाइन टू पिक्चर सेलेक्ट करी है मेकअप की। एक तो फर्स्ट ये है, आपको मोबाइल में अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ फोटो लगा दी है। एंड सेकेंड जो है ये वाला मेकअप करूंगी, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। गाइज कोई भी मेकअप करने से पहले सबसे पहले अपने फेस पे हमें प्राइमर लगाना होता है, तो मैं प्राइमर लगा लेती हूँ। मेरे फेस पे देख सकते हो थोड़े से स्पॉट वगैरह भी हैं, तो उसके लिए मैं कंसीलर की पैलेट यूज कर रही हूँ। तो इसमें मैं कलर सेलेक्ट कर रही हूँ ये वाला, तो ये मैं लगाने वाली हूँ पूरे फेस पे। तो गाइज मैंने अपनी आईब्रो जो है वो फिल कर ली है, और आप देख सकते हो ये मैंने काफ़ी मोटी बनाई है, बिकॉज मुझे लगना है आज विच कि आज मैं कर रही हूँ चुड़ैल वाला लुक ऑन हेलोवीन। आई गेस ठीक बनी है। ओ गॉड, अगर सच में सीरियसली अगर हमारी इतनी मोटी मोटी आईब्रोज होती तो हम कैसे लगते, कुछ पता भी नहीं है गाइस। कभी भी कुछ भी ट्रेंड हो जाता है। आई थिंक मुझे याद है 2000 से 2005 के बीच में पतली से पतली आईब्रो बनाने का रिवाज था, उसके बाद आई गेस अभी भी कुछ उन्होंने इतनी मोटी तो रखती हैं आईब्रो। बट गाइस दिस इज़ मेरी, ये ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट आर्टिफिशियल आईब्रो। गाइस मेरी आईब्रो डन है, देन नाउ इट्स टाइम टू पुट सम मोर फाउंडेशन ऑन माई फेस। जो मैं यूज़ करती हूँ वो करती हूँ मैं फिटमी का। सो हमने फाउंडेशन लेती हूँ मैं डायरेक्ट, मैं इसको स्पॉन्ज पे ही लेके अप्लाई करूँगी गाइस। गाइज अब मैं ये ब्राउन कलर का जो ये वाला शेड है आई शेडो का, इसको एज अ ब्लशर यूज करूंगी, लाइक चोट के निशान दिखाने का। सो फीलिंग तो आ रही है कि लाइक में विच बनने के बिल्कुल। तो गाइस बीच में ये एक ग्लिटरी कलर का है आई शेडो, तो मैं थोड़ा सा ये भी इसको भी अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपने आई शेडो में इस वाले एरिया में ब्लैक कलर का यूज करूंगी आई शेडो, तो मेरे पास ग्लिटरी ब्लैक कलर का आईशैडो है, तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ।
एंड गाइस थोड़ा सा मैं ये सेम आई शेडो अपनी आईज के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। आई थिंक इट्स डन। ओ गॉड, मुझे तो अपने आप को देख के डर लग रहा है। गाइस मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ अब मस्कारा। मेरे पास आई लैशेस तो नहीं है आर्टिफिशियल वाली, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग अ लिटिल बिट मस्कारा ऑन माई आई लैशेस। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाइंग अ लिपस्टिक ऑन माई लिप्स। दिस इज द डार्क चॉकलेटी कलर। मेरे पास पेन वाला लाइनर है जिससे मैं ये डॉट डॉट लगाने वाली हूँ। तो गाइस अब मुझे जो है थोड़ी सी क्रीपी स्माइली होती है वो बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली गाइस अभी क्या हुआ है, जो मैंने दो फोटो सेलेक्ट की थी तो वो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कर दी। तो गाइस मेरा एक ये वाला था तो वो मैंने आईज थोड़ा सा सेम बना दिया, एंड जो दूसरी फोटो थी उसमें कट के निशान है तो मैं सोच रही हूँ वो भी इसी में बना लेती हूँ। तो ये है गाइस मेरा पहला लुक। सो गाइस ये है मेरा पहला लुक हेलोइन का। सो हम ऐसा मेकअप करके अच्छी सी ड्रेस पहन के किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, बिकॉज आज के दिन हेलोवीन के दिन तो हमें स्केरी ही लगना है। सो आई गेस आई ऑलमोस्ट लुकिंग स्केरी। दूसरे लुक के लिए मैं सोच रही हूँ कि जूड़े की जगह मैं दो चोटियां बना लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, बाल आपको मैसी ही रखने हैं, ज्यादा कुछ फिनिशिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने ले लिया है रबर बैंड की, बनानी है दो चोटियां। पापी गुड़िया बनने जा रही हूँ मैं। दूसरी तरफ से भी हम ले लेंगे अपने सारे हेयर्स। टाको के निशान के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये मैंने स्केच वाला लाइनर लिया है, ये एक लाइन हो गई गाइस। इसको अपने लिप्स एरिया में ये टाके बनाऊंगी। एक लाइन तो हम यहीं से ले जाएंगे। सो गाइस माई सेकेंड लुक इज ऑल्सो रेडी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टांकों के निशान बना दिए हैं स्टिचेस के। ये
ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो गाइज आज का वीडियो आपको थोड़ा सा फनी और एंटरटेनिंग तो लगा ही होगा, एंड मुझे तो बहुत मजा आया ये वाला मेकअप करके। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो अगर आप हेलोइन पार्टी में जाने की सोच रहे हैं तो आप ये वाला जो है लुक अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर फेस। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ। सो बाय बाय गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल में जाटो व्लॉग्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन में जल्द से जल्द आ जाए। सो बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। हैप्पी हैलोवीन।